दिया रहा हूँ और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, एमडी पैथोलॉजी मैंने की हुई है। और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉर्मली लेबोरेटरी में काम करते हैं, लोगों के विभिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट करते हैं। पूरा सफर किस तरह का रहा आपका, कहाँ से स्टडी हुई और किस कितने दिनों से कहाँ कहाँ आपने प्रैक्टिस की? सफ़र काफ़ी लंबा और बहुत अच्छा रहा। मैंने MBBS जो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से की। उसके बाद मैंने MD पैथोलॉजी में वहीं से की। उसके पश्चात मैंने 3 साल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम किया और उसके बाद में यहाँ 92 के उपरांत मैं प्रैक्टिस में हूँ, मेरी खुद की लेबोरेटरी है। जी, रेवाड़ी में आपको प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, तो ऐसे में जिस समय आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए थे किस तरह की ज़रूरतें थी? जी, मैं इस इलाके के रहने वाला हूँ लेकिन मेरे को कभी सौभाग्य प्राप्त हो नहीं हुआ कि मैं यहाँ रहूँ या पढ़ूँ, हमेशा बाहर बाहर रहा। तो मेरी दिल में इच्छा थी कि मैं इस इलाके को अपनी सेवाएँ दूँ क्योंकि ये मेरी नेटिव प्लेस था। तो मैं मौलाना आज़ाद से यहाँ आया तो यहाँ बहुत थोड़े से डॉक्टर थे और कोई लेबोरेटरी नहीं थी, करीब 25 या 30 डॉक्टर थे और लैब या ब्लड टेस्ट के अब बड़ा भारी अभाव था। तो मैंने यहाँ पे अपनी लेबोरेटरी शुरू करी, बड़े छोटे स्तर पे शुरू करी लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अवसर मिला लोगों की सेवा करने का और हमारे जो साथी गण थे वो भी बहुत खुश हुए और उनको बड़ा हेल्प मिल गई। उस समय आप भी बड़े स्तर पर या फिर बड़े किसी आउट ऑफ कंट्री जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते थे, क्या लगा कि ग्रामीण एरिया में ही प्रैक्टिस की जाए? एक तो यूँ कह लीजिए कि हम ज़िंदगी भर हमारे फादर साहब फौज में थे तो पूरे भारतवर्ष घूमते थे, तो अपने इलाके में वापस आने की बड़ी इच्छा थी। और ये बात सच है कि उन दिनों हमारे बहुत से साथी बाहर विदेश में गए, उनको अच्छे पे पैकेज मिली, वो एक आकर्षण था। लेकिन एक घर में रहने का आनंद और अपने लोगों की सेवा करने का आनंद कुछ अलग ही होता है। किस तरह का जुड़ाव लोगों से रहा और आपकी सेवाओं से किस तरीके से लोग प्रभावित रहे, क्या उनको सेवाएं अच्छी लगी? निश्चित तौर पे उसी का परिणाम है कि हम तकरीबन जो है जब से यहाँ पर आए हैं करीब 25 लाख से ऊपर मरीजों की और अपने इलाके के लोगों की सेवा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई अच्छी सेवा प्रदान करते हैं तो लोग बाग भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वो हमारी सेवाएं लेते रहे। करीब 3 दशक से ज़्यादा आपका लंबा अनुभव रहा है, लंबे अनुभव से आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, तो इस दौरान किस किस तरह के टेस्ट होते हैं एक लेबोरेटरी, एक अच्छी लेबोरेटरी में, मानक लेबोरेटरी में किस किस तरह की मशीनें और टेस्ट होते हैं? जी, एक्चुअली लैब, एक अच्छी लैब और अच्छी लैब लेबोरेटरी की सर्विसेज देना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है और सही रिजल्ट को देना भी अपने आप में काफ़ी बड़ी भारी चुनौती है। तो बहुत सी बार छोटी मोटी लेबोरेटरीज जो लोग चले जाते हैं जहाँ पे क्वालिटी का ध्यान नहीं होता, तो वो हमारे इसमें तो ऐसा है कि जब तक सही बीमारी का नहीं पता चलेगा, बीमारी का सही ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो फिर वो लोगों की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ी जाती है। तो एक क्वालिटी या रिलायबल रिपोर्ट देना भी अपने आप में वो रहा और बड़ा हमें अच्छा लगता है कि हम इस पर खरे निकले। शुरुआती फेज़ में हमारे इलाके में बल्कि हमारे देश में भी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं था, सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करते थे और समझते थे हम बहुत अच्छा काम कर रहे। फिर इस विषय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कई संस्थाएं भी बीच में आई और इसके ऊपर ध्यान जाने लगा। तो इसमें NABL नाम की संस्था है जो कि पूरे देश में हमारी क्वालिटी के लिए अपना एक्रेडिटेशन देती है। 2009 में हमने ये NABL के लिए अप्लाई किया
उस वक्त एनएबीएल के लिए से संबंधित जो लेबोरेटरीज थी वो 22 थी कुल मिला के पूरे देश में। एनएबीएल को बड़ा झटका सा लगा कि बोले कहाँ तो हम दिल्ली बॉम्बे और ऐसी लेबोरेटरीज को ये प्रदान कर रहे हैं और एक छोटे से गांव से एक लेबोरेटरी जिन्होंने आवेदन किया हुआ है तो उनको जो है बड़ा सरप्राइज सा लगा। लेकिन जब उनकी टीम हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करने आई तो बहुत खुश हुई, उसमें काफ़ी हमारी प्रशंसा भी हुई कि देखो छोटी सी जगह में भी वो इतने क्वालिटी कॉन्शियस वो हैं। तो मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ कि उनके कुछ नियम हैं क्वालिटी से रिलेटेड। वो हमें बहुत बार बाहर से सैंपल आते हैं, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, उसका रिजल्ट सबमिट करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि भी हमारे रिजल्ट ठीक है या नहीं है। हमें अगर वो ठीक नहीं है तो हमें वार्निंग मिलती है या फिर हमें सुझाव मिलते हैं कि भैया आप में आपकी लेबोरेटरी में ये कमियां हैं, इसको दूर करिए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है और धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहा है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये कंपलसरी भी हो जाएगा जैसे बाकी देशों में है। तो क्वालिटी को लेके हम पूरे नियम फॉलो करते हैं जी। सर किस किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? लैब में अब तो चूँकि ये साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है तो तकरीबन 2000 किस्म के टेस्ट हैं। खून शरीर में खून की मात्रा कितनी है इससे लेकर के एक वायरस की मात्रा कितनी है जो कि अरबों खरबों में होती है, तो ये सभी प्रकार के टेस्ट हमारे यहाँ किए जाते हैं। इसमें हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, हीमेटोलॉजी में जो ब्लड से रिलेटेड खून की मात्रा कितनी है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ल्यूकेमिया तो नहीं है, इस प्रकार की जांच होती है। बायोकेमिस्ट्री विभाग में भी कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर कितना है, जो शरीर में बायोकेमिकल पैरामीटर है उनका मेजरमेंट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या फिर इन्फेक्शन हो गया तो उसका कल्चर करते हैं, या फिर कोई वायरस है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे कोविड वायरस था वो माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। यूरिन स्टूल हम क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जांच करते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी ये शरीर का कोई भी टुकड़ा जैसे कि कोई गांठ निकल आई या कुछ ऑपरेशन के बाद में कुछ भाग निकाला उसको जांच करके बताते हैं इसमें क्या बीमारी थी, कैंसर तो नहीं थी, तो सारी जाँचें उस करते हैं। डॉक्टर जिस तरीके से क्या एक डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही टेस्ट कराने चाहिए या फिर जनरली भी 6 महीने में 3 महीने में या फिर साल में एक स्वस्थ व्यक्ति को भी टेस्ट कराना चाहिए? जी देखिए मैं तो यही कहूँगा कि टेस्टों दवाई का लेना और टेस्ट करवाना ये सेल्फ मेडिकेशन माना जाता है। तो एक डॉक्टर की अगर कंसल्टेशन के बाद टेस्ट कराना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कई बार हम अपना पूरा थोरो चेकअप करा लेते हैं, खूब सारे टेस्ट हम कर लेते हैं कि 400 टेस्ट कर लिए, तो उसमें बहुत सी जो है टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आवश्यक नहीं होते, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार डॉक्टर से अगर मिलकर के एक पर्ची बनवाएं कि साहब मेरे को कौन कौन से जाँच की आवश्यकता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं कहूँगा कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अगर वो समय रहते डिटेक्ट हो जाए तो उसका संपूर्ण इलाज है। और पब्लिक को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, तो कि शरीर में कोई गांठ निकल आए, मुंह में कोई छाला है, पेशाब के रास्ते या खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है, या एकदम बुज़ुर्ग आदमी है वेट लॉस हुए जा रहा है, या फिर काले रंग की रट्टी आ रही है, डाइजेशन एकदम डिस्टर्ब हो गया है, तो बहुत से फीचर हैं। अगर स्त्री लेडीज़ में अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो जिनको हम जांच करें और समय रहते उसको पकड़ लें तो वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि लोग अपने दिनचर्या पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो शुरू में ही अपने डॉक्टर से मिलें, और कोई गांठ या कोई ऐसी चीज़ लगे विशेषकर कैंसर संबंधित तो उसकी जांच तुरंत कराएं। धन्यवाद। थैंक यू।